Assalamualaikum Pakistan, welcome to Kahani Pakistani. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी. आज का एपिसोड दूसरे कहानी पाकिस्तानी एपिसोड से मुख्तलिफ है. आज का माहौल मुख्तलिफ है. आज दुनिया भर में दुनिया वालों के दिलों से एक ही आवाज़ निकल रही है, प्यार की, मोहब्बत की, दुख की, हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए. December 16th, 2014 is now known as Black Day. Woh din jab 148 innocents were murdered, jisme 132 bachche shamil the. Lekin 16-12-14 ya 148 ya 132 sirf numbers nahi. No, the innocent lives lost will be remembered forever. Hum kabhi nahi bhulenge. Duniya bhar mein logo ke aankhon mein aansu और दिलों में दुख भरा हुआ है. तो आज मैं और वाशिंगटन डीसी में रहने वाले लोग एक कैंडल लाइट विजिल में इकट्ठे हुए हुए हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को ये बताने के लिए कि वी स्टैंड बाय यू. हमारा प्यारा पाकिस्तान, स्पेशली आपके लिए ये पैगाम है अमेरिका से. आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर से, नूर मीर. नूर, अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट अ फैंटास्टिक इवेंट दैट यू वर एबल टू पुल टुगेदर. इतना लास्ट मिनट पे आपने ये इवेंट किया और माशाल्लाह इतना अच्छा टर्नआउट भी हुआ. तो what were you feeling when this happened and why the need to pull this together? Absolutely. Thank you for being here. Main khud Islamabad Pakistan se hoon. Main kal subah uthi, maine dekha ki kya hua aur mujhe khud pata nahi tha ki main kya karun. You know, the grief and the emotions I was feeling. Main intihai dukh mehsoos kar rahi thi aur mujhe samajh nahi aa raha tha ki kya karun. Maine apne Pakistani doston aur Pakistani community se raabte karne shuru kiye. Wo bhi yahi baat keh rahe the ki unhe kuch samajh nahi aa rahi ki kya karna chahiye. Phir hum ye dekh rahe the ki hamare mulk Pakistan mein kya ho raha hai. एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें हम बटे हुए ना हों, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन हमारे सपोर्टर्स के तौर पर इकट्ठे हों. हम जहां बहुत से गैर पाकिस्तानी भी देख रहे हैं. हमारा मकसद भी यही था कि लोग अपनी सियासी वाबस्तगी और मजहब से बालातर होकर जमा हों. एक बार सब लोग पाकिस्तानी कौम बन के आए. पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवान जो है, स्पेसिफिकली हमारी कम्युनिटी में, व्हाट आर द फीलिंग्स राइट नाउ? बिल्कुल, आई थिंक ऑब्वियसली यू नो they're in a privileged position. मेरा ख्याल है हम पाकिस्तानियों को यहाँ एक पुरासाई जिंदगी मिली हुई है और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग यहाँ अपने आप को हकीकत से दूर समझते हैं. और ये कि हम यहाँ अमेरिका में हैं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं. और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं. हम लोगों को यहाँ आता हुआ देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें अब आगे क्या करना है. Lastly, आप हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ठीक है, मैं सिर्फ पाकिस्तान को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम जो पाकिस्तानी अमरीकन यहाँ हैं, हम सब आपके साथ हैं. जो भी ख़ानदान पेशावर में, हम सब आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे. Anam, tell me about your involvement with today's event. So Noor contacted me asking me to gather volunteers in this area because I used to. Noor ne mujhse kaha tha ki hum yahan ek program kar rahe hain aur aap isme volunteer karein. Main Pakistan Students Association ki sadar reh chuki hoon aur is ilaqe ke bahut se students ko janti hoon. Maine mombattiyan ikatthi karne aur logon ko yahan lane ke silsile mein unke saath milkar kaam kiya. Is maqsad ke liye volunteers yahan aa rahe hain. The year event jo hua hai kafi last minute hua hai. Obviously the tragedy just happened. आपने सारे इतने सारे वॉलंटियर्स को गैदर कैसे किया?
हमने फेसबुक पे बहुत बड़ा मैसेज दिया कि दिस इज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स. हमने कहा कि ये वो आखिरी तिनका है जो ऊंट की कमर तोड़ सकता है. अगर हम अब भी खड़े ना हुए तो फिर कभी खड़े नहीं होंगे. इस इवेंट में शिरकत के लिए जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहाँ पर आए हैं. यहाँ आने वालों में सिर्फ पाकिस्तानी और मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि पेशावर के सानहे के खिलाफ यकजहती के इजहार के लिए हर कोई यहाँ आया है. आपको ये मैसेज देना चाहेंगी टू पाकिस्तान. Yeah, absolutely. ये मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप में से हर एक को, चाहे आप कोई भी हों, आपका ताल्लुक चाहे जिस भी सियासी जमात से है, आपको दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए. मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रशीद शैतानी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपके इस इवेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट क्या रही है? मैं वॉलंटियर था. एक इवेंट कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोग करवाना चाह रहे थे डीसी के अंदर. एंड दिस इज द यंग पाकिस्तान में जो सानहा हुआ, हम उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं. वहाँ बच्चे मारे गए हैं. आखिर इसका मकसद क्या था? हम ये बताना चाहते थे कि हम सब उन पाकिस्तानी खानदानों के साथ खड़े हैं जो इस सानहे से गुजर रहे हैं. किसी भी शख्स के लिए सूरत हाल से गुजरना आसान नहीं है. मेरे भी बच्चे हैं. मैं इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता जिससे उन बच्चों के वालदैन गुजर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ हिंदू भी आए हुए हैं, सिख भी आए हुए हैं, यहाँ अफ्रीकी अमरीकी और सफ़ेद फार्म अमरीकी भी मौजूद हैं. वो इस चीज़ के इजहार के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर यहाँ या पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी होती है तो उसके खिलाफ हम सब इकट्ठे हैं. हम ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि ये अलग अलग मुल्क नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक इकाई है और हम सब मुत्तहिद हैं. पाकिस्तान, we are all together. We want to send that message that this is one world, not separate countries. We can all work together. Allow me to introduce you to Dr. Rajwant Singh, who is representing the Sikh community. Sir, what brings you here today? Well, our hearts are broken. Is waqiye ne hamare dilon ko zakhmi kar diya hai. ये पाकिस्तानी बच्चों पर हमला नहीं किया था, बल्कि ये मेरे अपने बच्चों पर हमला है. और मेरा ख्याल है कि इस इलाके की जबान और इस कल्चर को शेयर करने के नाते हर पाकिस्तानी, हर भारतीय, हर श्रीलंकन, हर नेपाली इस इलाके में अमन और हमाहंगी को फलते फूलते देखना चाहता है. हर वो हमला जो अमन के खिलाफ हो, बच्चों के खिलाफ हो, उसे मैं अपने खिलाफ हमला समझता हूँ. मैं वहाँ के लोगों के साथ, खुसूसन उनके साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार करना चाहता हूं जो अपने प्यारों से महरूम हो गए हैं. ये बहुत दिल खराश वाकया है. हम इन लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी बांटना चाहते हैं जो इस सानहे से गुजर रहे हैं. हमारे व्यूअर्स जो पाकिस्तान में हैं, वो अभी आपको देख रहे हैं, तो आप सिख कम्युनिटी की तरफ से, एज ए ह्यूमन की तरफ से, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज वेरी फॉर्चुनेट. पाकिस्तान इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि वो सकाफती विरासत से मालामाल है. वहाँ की तारीख एक ख़ास अहमियत रखती है क्योंकि हमने कई सकाफतों को अपने अंदर समो रखा है. हमें अपने विरासत को कभी भुलाना नहीं चाहिए. नई नस्ल जो नया पाकिस्तान बनाना चाहती है, उसके लिए उसे अपनी तारीख और अपने सकाफती विरासत से सबक लेना चाहिए. हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. इस वक्त वाशिंगटन डीसी पिशावर के साथ खड़ा है. इसके साथ शिकागो भी पिशावर के साथ है, फिलाडेल्फिया भी पिशावर के साथ है और न्यूयॉर्क भी पिशावर के साथ है. और मुझे ये देखकर बहुत इत्मीनान महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन और इनके साथी इस सानहे पर और इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ अपनी यकजहती के इजहार के लिए जमा हुए हैं. अब मैं आपको रदा रूमी से मिलवाती हूँ. वो एक बहुत मोहतरम सहाफ़ी हैं जो इस वक्त यहाँ अमेरिका आए हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि वो इस बारे में भी आपको कुछ बताएंगे कि कुछ अरसे पहले वो भी किस तरह से तालिबान का निशाना बने थे. ऑफ द तालिबान, सो रज़ा.
First of all, thank you very much for everybody to be here. सबसे पहले मैं आप सबकी यहाँ आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नौ उम्र बच्चे और इनके घराने जिस अंदाज के मसाइल से गुजर रहे हैं और सदमे की जिस कैफियत का इन्हें आइंदा कई बरसों तक सामना रहेगा, इसका यहाँ अंदाजा तक नहीं किया जा सकता। तो आइए ये उम्मीद करें कि हम सब हाथों में हाथ डालकर और अपनी किसी सियासी वाबस्तगी से बुलंद होकर, जैसा कि नूर ने कहा है, चाहे हम जिस किसी के भी हामी हों, इस वक्त में हम सब इकट्ठे हो जाएं। मैं इन बहुत से गैर पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो यहां आज आए हैं। And there are a lot of non-Pakistanis here and I think I must thank them all as well for being here. I don't know if all of you know how many children were killed, but the toll keeps on rising. आप सबको हलाक होने वालों की सही तादाद का इल्म हो या नहीं, लेकिन ये तादाद अभी बढ़ रही है। इस वक्त कुल तादाद 140 से ज़ायद है और आप देख सकते हैं हमने 140 शमे रोशन करने की कोशिश की है जुदा हो जाने वाले बच्चों की नुमाइंदगी के लिए। बदकिस्मती से हम सिर्फ अस्पताल से मिलने वाली मालूमात के जरिए 40 बच्चों के नाम ही जमा कर पाए हैं। ये उस लिस्ट से लिए गए हैं जिनसे वालदेन को पता चला कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम इन नामों को अब पढ़ेंगे हर जुदा होने वाले बच्चे की उम्र के साथ, their age, and if it said dead next to it. And we could only find about 40 names, so we're going to read them now with their ages. And after that, I'll announce. I'd love if we could have a moment of complete silence and have your candles up and think about what these parents must be going through right now. Mehran Farhad, 14. Subhan Mubashir, 16. Sayed Abid Bakir Ali, 16. Ishtiaq Ahmed, 17. Sayed Ali Shah, 14. Samiullah Bashir, 14. Abdul Shah Mir, 14. Uzma Bashir, 24. So we'll begin the moment of silence now. Thank you very much for this moment of solidarity and silence. Why are you here today? Because I want to celebrate the people who are shaheed from Pakistan, that the bad people who killed in the school. Tell me about the picture that you're wearing. It's a very powerful message that you're sending. Do you know what it means? It means like a bad guy was killing like somebody in the shoe and it had blood all over and then they died and the kids died. Okay, I'm going to ask you to look into the camera right there and send a message because the people of Pakistan are watching you right now and there are a lot of beautiful children, some of who are your age, who were killed at the hands of these murderers. What would you like to say to Pakistan? It's really, 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 really sad that people are getting killed. Such a simple message, but it's so true and it's very powerful. Thank you very much. Premji, tell me about why you are here right now. मैं यहाँ पे पाकिस्तान में जो ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है 130 से ज़ायद बच्चों के शहादत का, मैं उस पे अपने अफसोस का इज़हार करने और उनसे उनके वालदेन से ताज़ियत करने और जो बच्चे जख्मी हैं उनसे अयादत का इजहार करने के लिए और इस मजमे में जमा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में क्या महसूस हो रहा है?
شدید تکلیف، شدید دکھ اور شدید رنج و غم کا عالم ہے، جہاں پہ نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ میں ایک فیلوشپ کا حصہ ہوں جس میں ہم فیلوز 20 ممالک سے ہیں، اور کل جب میرے اس 20 ممالک کے لوگوں کو پتہ چلا، جس میں کوئی ساؤتھ سوڈان سے ہے، کوئی یوگانڈا سے، کوئی موروکو سے، کوئی لیٹن امریکہ سے، تو نہ صرف پاکستانی امریکن کمیونٹی بلکہ یہاں پہ جو بھی ایک انسان ہے نا، جو انسان کا دل رکھنے والا شخص ہے، اس کے دل میں بہت بہت زیادہ دکھ ہے اور افسوس ہے اس واقعے پہ. اور یہ ایک میسج ہے کہ مذہب اور قوموں سے بڑھ کر جو ہے وہ انسانیت ہے. یہی ایک اظہار میں نے فیل کیا ہے کل اور آج دونوں دن. ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سر آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایمبیسی کی طرف سے واٹ از ایوری ون فیلنگ ٹو نائٹ؟ دیکھیں یہاں آنے سے پہلے تو یقیناً ہمیں بہت سب کو دکھ اور صدمہ ہے لائک اینی پاکستانی، اور میں سمجھتا ہوں غصہ بھی ہے بیکاز جس طرح کے امیجز ہمیں ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کی اندھوناک اور بہیمانہ انداز جس میں کہ یہ جرم کیا گیا، تو اسے دیکھ کے تو آبویسلی وی آر ڈپریسڈ اینڈ وی آر ویری فرسٹریٹڈ آلسو. لیکن یو نو یہاں آ کے اور جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ غم گساری ان کی دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، فرینکلی دیٹ از ویری ٹچنگ، دیٹ ہیز مووڈ می پرسنلی. اور یہ صرف یہیں آ کے، کیونکہ ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر طرح کا لوگ جو ہیں آج یہاں میں دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو مجھے تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی ایک قوم کی، کسی ایک مذہب کی، یا کسی ایک ملک کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی لڑائی ہے جسے ہم سب کو مل کے لڑنا ہے. اور آج میں اسی ایشورنس اور اسی یقین کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب کے بعد کسی ماں یا کسی باپ کو میری دعا بھی ہے اللہ ایسا دن کبھی نہ دکھائے. میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جی اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے دعا کیجئے، اور ہم جو اپنے اپنی جگہ پہ جو چھوٹا چھوٹا قدم لے سکتا ہے وہ لے. ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. تو میرا صرف، لیکن میں آپ کے توسط سے جو ہمارے امریکہ میں دوست اور ساتھی موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے دو دنوں میں میں نے جس طرح سے یعنی لوگوں کو ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے دیکھا ہے نا، آپ یقین کریں کہ میرا یقین اس ریلیشن شپ میں ایک بار پھر اور بھی زیادہ مضبوط ہوا. میرا خیال ہے یہ الفاظ تو نہیں بیان کر سکتے کہ کیا محسوس کر رہی ہوں، لیکن جو کچھ ہوا میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسانیت نہیں ہے. کوئی انسان نہیں ایسے کر سکتا کہ بچوں کے ساتھ، بہت بڑی ٹریجڈی سنی لیکن اس طرح بچوں کے ساتھ تو کوئی نہیں کرتا، تو یہ انسانیت ہی نہیں ہے جو کرنے والے ہیں. یہ جنہوں نے کیا ہے، یہ پاکستان کے دشمن تو ہیں ہی، لیکن اسلام کے بھی دشمن ہیں جنہوں نے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسان ہی نہیں ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. مگر یہ ساری چیز جو ہے، جو ایکٹ انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے ساری قوم متحد ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کو فائٹ کرنا ہے اور ہمیں اس سے جان ہم نے اپنی چھڑانی ہے، وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس مینس. تو اس لیے آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ہم انشاءاللہ ویری سون ول گیٹ ریڈ آف دیم. شیلبی، ناؤ واٹ برنگز یو ٹو دس ویجل؟
just kind of being a part of the support system for main pakistan ke bachchon aur unke khandanon ke sath ekjehti ke izhar mein shamil hone ke liye yahan aayi hoon. What is it about the event that strikes you? You are not Pakistani clearly, but what drew you in and made you feel the need to show your support for the Pakistani people? Just the fact that it was children, it was a group of children. Iski wajah sirf ye hai ki wo bacche the aur wahan padhne ke liye maujood the. Wo aisa kuch nahi kar rahe the ki taliban unhe apna nishana banate. Meri samajh mein ye nahi aata ke bachchon ko nishana kyun banaya gaya. What would you like to say to our viewers in Pakistan who are watching us? Hum ye batana chahte hain ki puri duniya mein inke supporters maujood hain aur ab ye sirf inhi ki jiddojahd nahi rahi balki inke piche bahut se supporters milkar khade hain. Aap koi paigham dena chahenge hamare Pakistani viewers ke liye? Other than the fact, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि वो हिम्मत से काम लें और ये जहन में रखें कि हर कोई उनके साथ है. ये एक मुश्किल वक्त है जो गुजर जाएगा. मासूम जानों को कभी भी भुलाया ना जा सकेगा, लेकिन ये यकीनन इस बात का इशारा है कि अब चीज़ों को तब्दील होना है. हौसला रखें, अल्लाह पे यकीन रखें. जो सब्र चाहिए सब्र ऑब्वियसली, लेकिन जो भी है, जो भी हुआ बुरा हुआ, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते फीलिंग्स अपनी. But unko ye kahunga ke hausla rakhe, jo hua is a tragedy, Allah mein unko jannat o firdaus mein jagah ata farmaye. Bas aap log please duaen kare, jo log school mein jo bacche aur jo staff fought hue unko bas apni dua mein yaad rakhe ki unki maghfirat ho, unke rooh ko sukoon mile, aur jin logon ne ye cheez kiya organize kiya unko bahut success mile. Aur despite aapke political views kya hain, हमारी आर्मी एयरफोर्स सबके लिए दुआएं करें क्योंकि वो हमारी हिफाजत करें, और उनको हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है. आर्मी एयरफोर्स पुलिस सबको कि वो जिन लोगों ने यह हरकत किया उनको सही सज़ा इंशाल्लाह दे सकें. अपना ईमान मजबूत रखें और एक दूसरे को सपोर्ट दें. जितने भी पाकिस्तानी आउटसाइड ऑफ कंट्री हैं, दे शुड ऑल गेट टुगेदर. हमारी गवर्नमेंट इज़ फुली इंगेज इन वर्किंग विद आर्मी एज वी बीन हियरिंग ऑन द न्यूज़. सो इट्स पीपल आर कोऑपरेटिंग इन द कंट्री एंड आउटसाइड एंड वी डू आवर बेस्ट व्हाट वी कैन. ये वक्त है कि आप हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बने. पहले असेंबली में कौमी तराना पढ़ा, फिर हर कदम क्लास की जानब बढ़ा. मासूम कलिया की तरह मासूम कलियों की तरह चटकते हुए, उनके कमसीन दिल धड़कते हुए, धड़कनों डूब गई गोलियों की आवाज से, कोई तो कहो रब्बे कार साज से, पेंसिलें टूटी हुई, बेगुनाहों की जान रूठी हुई, हंस दो बेटा ए एक माँ की सदा, लाड प्यार था तुमने तुम पे निछावर किया, मगर मासूमों की लब खामोश है, जालिम कातिल नहीं अपने होश में, बेकसूर तारीख मिट्टी में कर दिए दफन, कौम ने फिर पहन लिया सोग का कफन, क्या यही है तू ए वतन ए वतन. How precious is life. God bless the lives lost and their loved ones. Hum sab ki duaein aapke saath hain. Hamara pyara Pakistan. Na sirf Pakistani Americans balki puri duniya aapke saath hai. Kahani Pakistani aur Aisha Gilani ki taraf se pyar, mohabbat aur khudafis.